नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिल्स म्यूजिक एकेडमी चैनल में। ये लेसन है लेसन नंबर 2 जो बांसुरी की सीरीज है, उसमें ये लेसन नंबर 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला लेसन जरूर देखा होगा। लेसन 1 में मैंने बताया था कि हमको बांसुरी को होल्ड कैसे करना है, क्या पोजिशन होनी चाहिए, और हमको जो साउंड है यानी कि जो ब्लोइंग होल है वहाँ से हमको आवाज़ कैसे निकालनी है। और फिर मैंने बताया था कि आपको सारे होल्स छोड़कर यानी कि खोलकर उनको सिर्फ और सिर्फ फूंक निकालनी है, आवाज़ देनी है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज ठीक एक हफ्ते बाद हम आते हैं लेसन नंबर 2 पर। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि लेसन नंबर 1 में हमने क्या किया था। मैंने आपको बताया था कि आपको अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड किस तरह से होल्ड करना है। तो लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे एक तो ये कि सेटिंग द फिंगर्स, मतलब कि हम जब हमने रखी उंगलियां तो इनकी प्रैक्टिस किस तरह से करें, और एक्सरसाइज फॉर फिंगर्स हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपकी उंगलियों को पता लगेगा कि कौन सा होल कहां पर है। ठीक है दोस्तों, इस लेसन का एम सिर्फ यही है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको लेसन 1 में बताया था कि आपको सारे होल्स ओपन करके बजाना है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है जब आप पहली बार स्टार्ट करते हैं फ्लूट स्टार्टिंग में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि होल कहाँ पर है, आपको उंगली कहाँ पर रखनी है। जैसे ये आपने आवाज़ निकाला, ठीक है, तो इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर अपनी उंगली रखनी है, ठीक है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा, ऐसे आप तिरछी निगाह से देखेंगे कहाँ है होल। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है स्टार्टिंग में। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए इस लेसन में मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा, वो आपको सिंसियरली फॉलो करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले सारे होल्स ओपन कीजिए, फिर आप अपने लेफ्ट हैंड की एक उंगली यानी कि जो फर्स्ट अंगूठे के पास वाली उंगली है, फर्स्ट उंगली, उससे आपको क्या करना है कि जो पहला होल है इसको क्लोज करना है। ठीक है दोस्तों, पहला होल आप स्टार्टिंग में देखकर भी कर सकते हैं, या तो आप मिरर के सामने देख लीजिए या फिर अपनी आंखों से ही देख सकते हैं तिरछा करके। ठीक है, ऐसे करके आपको देखना है कि कहां पर आपका होल है। ठीक है, उस होल पर आपको अपनी पोजीशन रखनी है। जैसे हम इसमें देखें, ये अपनी फ्लूट है, ये अपना ब्लोइंग होल, ये 6 होल्स हैं ब्लोइंग, ठीक है, जहां से हम प्ले करते हैं, प्लेइंग होल्स इनको बोलते हैं, ये ब्लोइंग होल और ये प्लेइंग होल, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आपको जो पहला होल है उसकी पोजीशन पता करना है अच्छे से। ठीक है, आपके माइंड में बस जाना चाहिए, और जब आप आंख बंद करके भी जब भी बजाएं, रात को मैं आपको बोलूं 2 बजा के दिखाइए, तब भी आपकी जो पोजीशन है वो सही से आनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट होल बजाइए, फर्स्ट होल पर जो साउंड आएगा वो बजा के दिखाइए, सिर्फ एक उंगली से ना, अभी हम एक उंगली की बात कर रहे हैं। तो अब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको पहला होल बजाने के लिए बोला है तो आप यहां पर उंगली रखें या फिर इस पर हाफ रखें। ठीक है, हाफ जब जरूरत पड़ेगी तब रखेंगे, लेकिन जब आपको पूरा बोला है तब आपको पूरा पोजीशन आनी चाहिए। सबसे पहली प्रैक्टिस यही होगी, आपने सारे होल्स ओपन लगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सारे होल्स ओपन करके साउंड निकालिए, उसके बाद सिर्फ हम एक होल पर ध्यान करेंगे, सारे होल्स ओपन, फिर हमने 1 को कवर किया। ठीक है, ओपन 1 ओपन 1 ओपन 1 ओपन 1, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जब तक आपको करनी है, जब तक आप बिना आंख से देखे हुए आप अच्छी पोजीशन ग्रिप कर पा रहे हैं, अपनी बांसुरी को होल्ड कर पा रहे हैं और एग्जैक्ट साउंड आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप हाफ कवर कर रहे हैं या फिर यहाँ रख रहे हैं या फिर बीच में रख रहे हैं या फिर इधर। ठीक है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब हम आगे वाले होल्स हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये कवर किया, एक होल कवर किया, तो अब इसी तरीके से आपको बाकी जो बचे होल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स करनी है अपनी उंगलियां और अपने माइंड में। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए, जो भी आप बांसुरी प्ले कर रहे हैं उस बांसुरी पर आपको पोजीशन पता होनी चाहिए होल्स की। तब जब आपको ये पता होगा उसके बाद हम आएंगे कि
स्वर कैसे निकालें, गाना कैसे निकालें, राग कैसे निकालें, वो सब हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर बेल आइकन भी दबाया है तो। ठीक है दोस्तों, एक होल्स की पोजिशन आपको पता लगी, अब आते हैं हम दो होल को कवर करके। ठीक है, अब देखना क्या हुआ, यहां तक हुआ आपका। अब उसके बाद आप रेफरेंस मानिए वन को, यानी कि एक होल को कवर करके अब आप दूसरे पर आइए। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्या होगी, ला ला देखिए, ये हुआ। उसके बाद अब मैंने एक होल को दबाए रखा है और उस पर मैंने साउंड निकाला, उसके बाद दूसरा साउंड दूसरे होल को कवर करके, वन कवर हुआ। ठीक है, जैसे हमने वन कवर किया, अब उसके बाद आपको टू पर आना है। ठीक है, फिर से देखते हैं, सिंपल ही है। और इसमें आप फिर वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे ठीक है दोस्तों, सिर्फ मैंने वन होल और टू होल को लिया है, तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है और जो बाकी के चार होल्स हैं उनको भी कवर करने हैं। उनसे जो एक्सरसाइज बनेगी वो आपको खुद सोचना है, मैं आपको हिंट दे दूंगा इस वीडियो में। जैसे आप कर सकते हैं, जब आप दो होल्स को कवर करके आप बजाने लग गए, उसके बाद इन दोनों को कवर कीजिए, फिर तीसरे होल पर आइए। ठीक है, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये हुआ, उसके बाद नेक्स्ट तीन होल्स को कवर करके, के बाद चार होल्स को कवर करके, उसके बाद पांच होल्स को कवर करके, छह पर। ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज से आपको क्या होगा कि जो आपके होल्स हैं उनकी पोजीशन आपकी उंगलियों को पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप फिर कॉम्बिनेशन चाहे जितने मन चाहे जितने बना सकते हैं। आपको एक बार पोजीशन पता पड़ गई, जैसे हम हारमोनियम कीबोर्ड पर देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि हमारे सामने बटन्स होते हैं, हम जो चाहे मन में दबा लिया। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जब हम सी शार्प दबाना चाह रहे हैं तो डी दब जाएगा। ठीक है, उसमें हमको साफ साफ दिखता है, लेकिन इसमें बांसुरी में हम क्या देखते हैं, आप तो या तो हमारे सामने होती है या फिर बंद होती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे देखेंगे तो वो अच्छा व्यू नहीं आएगा। ठीक है, साफ साफ नहीं दिखेगा आपको, तो वो गलती हो सकती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए और कम करने के लिए या फिर बिल्कुल नहीं करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये अच्छे से करनी है, और इसके जो सीरीज में लेसन है वो भी आएंगे रेगुलरली, तो ये लेसन टू की प्रैक्टिस आपको करनी है। और इससे हम दो चीजें कवर करेंगे, अगर आपने ये एक्सरसाइज की है अच्छे से तो ये दो चीजें आप कवर कर पाएंगे। आपकी उंगलियों को पता लगेगा कि बांसुरी पर जो होल्स हैं, जहां से आवाज, जहां से हम सुर प्ले करते हैं उंगलियों की मदद से, वो कैसे आना है। ठीक है दोस्तों, आप एक्सरसाइज देख सकते हैं अभी। एक्सरसाइज आप अपने मन से बना सकते हैं, जितने चाहे कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी उंगलियां अच्छे से चलेंगी बांसुरी पर आगे चल के। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपनी फूंक का रियाज करना है। जब तक आपके अंदर फूंक नहीं होगी तब तक आप बजा नहीं पाएंगे और आपकी सांस जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उस सांस को कंट्रोल करने के लिए आपको फूंक लंबी देर तक खींचना है। ठीक है, ताकि आप आगे चल के अच्छे से बांसुरी बजा पाए और स्वर निकालने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों,
तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है वो अगले हफ्ते तक हो जानी चाहिए कम से कम। और इसके अलावा मैक्सिमम में आप ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।